Hello students, today I am going to start with the part 2 of chapter number 7 of your geography book, and the name of chapter is Our Country India. So in the previous video students, I have told you about the major facts of India, about the locational setting of India, and I have also told you about what are the neighboring countries of India and what are the political and administrative divisions of India. But student, in today's video I am going to discuss with you about the physical divisions of India. What do you mean by physical division? Natural features. Okay, kaun kaun si natural features hain. As you all know, India has a great diversity of physical features. Like, kya kuch hai yahan pe physical cheez hai? Mountains, plains, plateaus, coastal plains, islands, etc. So student, first of all, I am going to discuss with you the Himalayas, the great Himalayas. Clear? First, Him plus Alaya means abode of snow. Yes student, Himalaya ka meaning hai Him plus Alaya. It means abode of snow. Baraf ka jo ghar hota hai, yani baraf se covered hota hai. Divided into three main parallel ranges. Yes student, jo ye Himalayas hai, they are further divided into how many ranges? Three ranges. क्योंकि बहुत बड़े होने के कारण इसको हमने three ranges में divide कर दिया. Number one, the greater Himalaya. ठीक है, दैट इज नोन एज हिमाद्री, जिसे हम क्या कहते हैं, हिमाद्री. इट इज़ अ नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट. ठीक है, एंड वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज. सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक्स कहाँ पर है? हिमाद्री. उसके बाद उसके नीचे क्या आते हैं? मिडल हिमालयास. ठीक है, सेंटर में, दैट इज नोन एज हिमाचल. सो मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर ऑल्सो सिचुएटेड हेयर. After that, middle Himalaya के बाद क्या है? Lower Himalayas, that is known as Shivalik, and this is the southern most range of Himalayas. Clear student? Himalaya means Him plus Alaya. It has three parallel ranges. Number one, Himadri, Himachal and Shivalik. Yes student, you can see in this map. See student, ग्रेट हिमालय. ठीक है, ये क्या है? हिमाद्री, फर्स्ट रेंज है जो. ठीक है, आफ्टर दैट दिस इज़ द सेकेंड रेंज ऑफ हिमालय, दिस इज कॉल्ड मिडल रेंज और हिमाचल. आफ्टर दैट स्टूडेंट यू कैन सी शिवालिक रेंज, यानी कि दिस इज़ द लोअर रेंज, दैट इज नोन एज शिवालिक. सो दीज आर द ग्रेट हिमालय. दिस इज़ द फर्स्ट फिजिकल फीचर ऑफ अवर कंट्री इंडिया. Yes student, after that see the second physical feature of India, that is the northern plain. Northern means jo north mein plains hai, theek hai, flat land hai, that is known as northern plains. Lie to the south of Himalaya, yani ki jo Himalaya, see student, जो हिमालय है, अगर ये नॉर्थ में है तो इसके साउथ में क्या आगे? सी नॉर्दर्न प्लेन. ये जो ग्रीन दिख रहा है आपको सारा, दिस इज ऑल, दीज आर नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये. ठीक है, नंबर टू, फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट. एलुवियल डिपॉजिट मींस वेरी फाइन सॉइल दैट इज ब्रॉट बाय रिवर्स, जो रिवर्स लेके आती हैं, एंड डिपॉजिट इन द रिवर बैंक, और रिवर के बैंक्स पर वो डिपॉजिट कर देती हैं. लेट डाउन बाय रिवर, कौन सी रिवर्स लेके आती हैं? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरी. ट्रिब्यूटरी मीन्स स्मॉल रिवर. ठीक है, दैट ज्वाइंस अ बिग रिवर. सो जब ये हिमालय से, जब इनसे पहाड़ों से नदियाँ निकलते हैं, लाइक यमुना, यू कैन सी स्टूडेंट, गंगा, ब्रह्मपुत्र, जब ये नदियाँ पहाड़ों से आती हैं तो वो अपने साथ क्या लेके आती हैं? एलुवियल सॉइल लेके आती हैं, और वो वहाँ पे क्या है, जमा करती जाती हैं, जिससे क्या बनती हैं, ये नॉर्दर्न प्लेन्स बनती हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? नंबर थ्री, फर्टाइल एंड फ्लैट लैंड फॉर एग्रीकल्चर. सो जो ये प्लेन्स हैं, दे आर वेरी फर्टाइल, दे आर वेरी प्रोडक्टिव फॉर कल्टिवेशन, एंड फ्लैट होने के कारण एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हेयर. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? खेती बाड़ी बड़े आराम से कर सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट है, टू मच एम्प्लॉयमेंट है. नंबर फोर, हाई कॉन्सेंट्रेशन. ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन लाइज इन दिस प्लेन. यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, पॉपुलेशन है. क्लियर स्टूडेंट? दीज आर ग्रेट हिमालयस, एंड आफ्टर दैट देर आर नॉर्दर्न प्लेन्स. नंबर थ्री स्टूडेंट, आर थर्ड फिजिकल फीचर इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. ये स्टूडेंट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज इन वेस्ट में है हमारे. यू कैन सी हियर, सी ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये नॉर्थ है, ये क्या है, वेस्ट. वेस्ट में क्या है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो कि है थार डेजर्ट. ठीक है, इट इज़ ड्राई, हॉट एंड सैंडी लैंड. बिल्कुल ड्राई है,
ठीक है, रूखा रूखा हवाएं चलती रहती हैं, हॉट है, गर्म है, सैंडी लैंड मीन्स रेतीली जगह है, बिल्कुल रेत मिलेगी आपको यहाँ पे। नंबर टू, लिटल वेजिटेशन, यहाँ पे खेती बाड़ी या खेत मतलब कि बिल्कुल भी नहीं है नेचुरल वेजिटेशन वगैरह ड्यू टू लैक ऑफ रेन, बिकॉज यहाँ पे रेन नहीं होती, बिकॉज ऑफ दिस लैक वेजिटेशन इज़ वेरी लेस हियर, सो पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो लेस हियर। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर? ग्रेट हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन एंड आफ्टर दैट ग्रेट इंडियन डेजर्ट। नंबर फोर, नंबर फोर फीचर इज़ द कोस्टल प्लेन। कोस्टल मीन्स हुज बॉर्डर लाइन्स टच द सी, ठीक है, तो जिसकी बॉर्डर लाइन समंदर को टच करती है, कौन से समंदर है? बे ऑफ बंगाल, ठीक है, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन। सी लाई टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट, यानी कि कोस्टल प्लेन कहाँ पे है? वेस्ट में वेस्टर्न घाट के पास है, ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स के पास है। स्टूडेंट्स क्लियर? लाई टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। सी स्टूडेंट, दीज आर ईस्टर्न घाट, तो ये क्या है? कोस्टल, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। सो ये क्या है? वेस्टर्न घाट्स, दीज आर द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इनकी जो लाइन है, बॉर्डर है, वो टच करती है बे ऑफ बंगाल को, इसकी बॉर्डर लाइन टच करती है अरेबियन सी को। क्लियर स्टूडेंट? सो दीज आर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। आफ्टर दैट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, जो हमारे वेस्टर्न प्लेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हैं? टाइट हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी ब्रॉड, और ईस्टर्न प्लेन्स हैं वो चौड़े हैं, बड़े हैं। सी यानी कि जो ये घाट हैं ये छोटे हैं, यहाँ तक हैं, बट जो ये हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। सो हमारे जहाँ ईस्ट में क्या है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि जो रिवर ईस्ट में जा रही हैं। सी गोदावरी, यू कैन सी गोदावरी, महानदी, ठीक है, कावेरी, कृष्णा, सो दीज आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ये कौन से समंदर में जा रही हैं? ड्रेन कर रही हैं बे ऑफ बंगाल में। क्लियर? सो नंबर थ्री, सुंदरबन डेल्टा, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। व्हाट इज दिस सुंदरबन डेल्टा? दिस इज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। इट इज मेड अप बाय गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। सो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र क्या बनाती हैं? सुंदरबन डेल्टा। होता क्या है? ये ट्राइंगुलर इन शेप होता है, और इट इज एन एरिया ऑफ लैंड, जमीन का वो पार्ट दैट इज फॉर्म्ड बाय द माउथ ऑफ रिवर, ठीक है। जब दोनों नदियाँ जहाँ पे जाके मिलती हैं वो आपस में क्या बनाती हैं? डेल्टा। और गंगा ब्रह्मपुत्र के मिलने से क्या बना? सुंदरबन डेल्टा। क्लियर स्टूडेंट? ग्रेट इंडियन डेजर्ट ये रहा, ठीक है। कोस्टल प्लेन, दीज आर द कोस्टल प्लेन, ये नैरो हैं, ये क्या हैं? ब्रॉड हैं। यहाँ पे ईस्ट फ्लोइंग रिवर जाती हैं, गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी। आफ्टर दैट स्टूडेंट, देयर इज पेनिनसुलर प्लेट्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। पेनिनसुलर क्या होता है? पीस ऑफ लैंड हुज थ्री साइड्स आर कवर्ड विद वाटर। प्लेट्यू मीन्स टेबल लैंड। सी इट इज़ ट्रेंगुलर शेप, यानी कि हमारा इंडिया का जो साउथ पार्ट है दैट इज़ पेनिनसुला। इधर क्या है हमारे पास? अरेबियन सी है स्टूडेंट, अरेबियन सी। इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल है, और इधर क्या है नीचे? इंडियन ओशन है। सो इंडिया का जो साउथ पार्ट है इट इज़ कवर्ड विथ थ्री ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। सो ये क्या हो गया? पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये पार्ट ऊपर की तरफ उठा हुआ है। सी स्टूडेंट, आप देख सकते हो दिस इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी कि जो ये सारा पोर्शन जो है वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसकी यहाँ अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल, नीचे क्या है? इंडियन ओशन है, ठीक है। ये जो ये येलो पार्ट है दैट इज प्लेट्यू, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है। नंबर टू, ट्राइंगुलर इन शेप, शेप क्या होगी? ट्राइंगुलर। नंबर टू, रिलीफ इज़ हाईली अनइवन, यानी कि जो ये ज़मीन है अनइवन है, फ्लैट नहीं है, ऊपर की तरफ उठी हुई है। क्लियर? इट हैज़ मैनी हिल रेंजेस एंड वैली, तो इस आपको यहाँ पे क्या दिखेंगे? हिल रेंजेस। सी अरावली रेंज, रेंज क्या होती है? रो ऑफ माउंटेन, यहाँ पे पहाड़ है। सी आप देख सकते हो यहाँ पे पहाड़ों की रेंज है। उसके बाद क्या है? विंध्या रेंज, विंध्या पहाड़ है। देन क्या है? सतपुड़ा रेंज, यहाँ से नदी बहती है वेस्ट फ्लोइंग। सी एरो इधर है ना, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है नर्मदा एंड तापी। सो अरावली हिल्स, ठीक है, विंध्या रेंज, सतपुड़ा, सो ये सारी रेंजेस कहाँ पे हैं? इस पेनिनसुलर प्लेट्यू में है। सो सी अरावली हिल होगी, विंध्या हिल्स होगी, सतपुड़ा रेंज होगी, जिसमें से नर्मदा एंड तापी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वो वेस्ट में अरेबियन सी में जाती हैं। देन वेस्टर्न घाट्स ऑफ सहद्रिया, जो ये हमारे वेस्टर्न घाट हैं, तो यहाँ पे क्या है? सहद्री,
उसके बाद ईस्टर्न घाट। सो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, पेनिनसुलर प्लेटी में आती हैं। क्लियर स्टूडेंट, पेनिनसुलर प्लेटी इज अ पार्ट ऑफ साउथ। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी हिल रेंजेस हैं और ये ट्राइंगुलर इन शेप है। आफ्टर दैट इट इज़ रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन। तो यहाँ पे प्लेट्यूज के नीचे हमें क्या मिलते हैं, बहुत से मिनरल्स, जैसे कोयला हो गया, आयरन हो गया, सो मैनी अदर मिनरल्स आर देयर। एंड लास्ट फिजिकल फीचर इज़ द आइलैंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट वेरी वेल। हमारे आइलैंड्स कितने हैं, टू, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड। सी, दिस इज लक्षद्वीप आइलैंड एंड दिस इज अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, लोकेटेड इन अरेबियन सी। ये कौन से समंदर में है, अरेबियन सी। यू कैन सी अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड लाइज इन बे ऑफ बंगाल। क्लियर स्टूडेंट, आपने ये लर्न करना है इनको, वैसे आपको पता ही है। आफ्टर दैट कोरल आइलैंड्स लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। तो यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप में कोरल आइलैंड्स बने हुए हैं। स्टूडेंट कोरल क्या होता है, कोरल्स होते हैं स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मेराइन एनिमल्स, पानी में कुछ जीव होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पॉलिप्स। ठीक है, तो उन जब वो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, जो उनका स्केलेटन है उसके ऊपर और जो ये पॉलिप्स हैं और मींस की सर्वाइव करते हैं रहते हैं, जब वो मर जाते हैं उनके ऊपर और, यानी कि उनके स्केलेटन्स के ऊपर ये आइलैंड्स बनते जाते हैं। कोरल आइलैंड्स लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। सो केरला में आपको कौन से आइलैंड दिखाई देंगे, कोरल आइलैंड। क्लियर स्टूडेंट, कोरल आइलैंड्स आर मेड अप बाय द स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मेराइन एनिमल्स नोन एज पॉलिप्स। आफ्टर दैट साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन ओशन। सो अंडमान निकोबार कहाँ पर है, इंडियन ओशन के साउथ ईस्ट में है। सो स्टूडेंट यू कैन सी ये हमारे है साउथ ईस्ट ओशन में क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्लियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको सारे फिजिकल फीचर्स क्लियर हो गई। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, सिक्स फिजिकल फीचर है द ग्रेट हिमालयास, उसकी कितनी रेंज है, थ्री, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा, नर्दर्न प्लेन, यानी कि पहाड़ों से जो नदियाँ आती हैं वो डिपॉजिट करती हैं, जिससे क्या बनते हैं, नर्दर्न प्लेन्स बनते हैं। देन स्टूडेंट ग्रेट इंडियन डेजर्ट, वेस्ट में हमारे पास क्या है, थार डेजर्ट है, जो बहुत ज़्यादा ड्राई है, हॉट है, सैंडी है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने रीड की है ये कोस्टल प्लेन, जिनकी बॉर्डर लाइन समंदर को टच करती है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है, ब्रॉड है, चौड़े हैं, ठीक है, बट ये क्या है, नैरो। यहाँ पे रास्ते में क्या है, ब्रेकेजेज है, क्योंकि रिवर्स है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जिसके कारण ये बीच बीच में से टूटे हुए हैं, बट ये कॉन्टीन्यूअस है, ये क्या है, डिसकॉन्टीन्यूअस। यहाँ पे कोई रिवर नहीं जा रही, यहाँ पे रिवर्स ब्यो बंगाल में जा रही हैं। आफ्टर दैट वी हैव रेड अबाउट पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो हमारा साउथ है, डेक्कन प्लेट्यू, इसे हम कहते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू बिकॉज इट्स थ्री साइड्स आर कवर्ड विद वाटर, लाइक अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। और यहाँ पे क्या है, बहुत से हिल रेंजेस हैं, अरावली रेंज है, विंध्या रेंज है, सतपुड़ा रेंज है, एंड देयर आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर लाइक नर्मदा एंड तापी। स्टूडेंट क्लियर, उसके बाद हमने पढ़ा अबाउट आइलैंड्स, टू आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप लाइज इन अरेबियन सी, अंडेमान निकोबार लाइज इन बे ऑफ बंगाल। सो स्टूडेंट दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर। सो प्लीज़ आपने इन सारे चैप्टर को एज ए नोट्स आपने प्रिपेयर करना है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।